ये देखिए, क्या ये पिज्जा देखकर लग रहा है कि आपने बहुत ही झटपट इसको बिना मैदा, बिना ईस्ट, बिना अवन, बिना कुकर, बिना कढ़ाई बनाया है? जी हाँ, आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल वेज मिनी पिज्जा बहुत ही आसानी से घर में बनाएंगे, वो भी गेहूं के आटे से। इतना सिंपल और आसान तरीका, जब भी बच्चे जिद करेंगे पिज्जा की, आप तुरंत उन्हें गेहूं के आटे का पिज्जा बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झटपट मिनी आटा पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ी परात या इस तरीके का बर्तन, और इसमें हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। कोई भी मेजरमेंट के लिए घर का कप या कटोरी सेट करें, उसी अनुसार आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे 1 कप मैं बोलूं तो लगभग 170 ग्राम के करीब मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब सबसे पहले इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच चीनी। चीनी इसमें डालना बहुत जरूरी है, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। क्योंकि आज हम इस पिज्जा को बना रहे हैं बिना ईस्ट के, तो हम यहाँ यूज करेंगे आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, वही बेकिंग पाउडर जो आप केक वगैरह में डालते हैं ना, बस वही वाला। इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं बेकिंग पाउडर के, इजीली किसी भी सुपर स्टोर पर आपको ये मिल जाएंगे। सभी चीजें जो मैं यूज कर रही हूँ, ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इन चीजों को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे आप खाना सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं, सभी के घर में रहता ही है। क्योंकि ये बिना ईस्ट बना रहे हैं तो दोनों चीजें डालना बहुत जरूरी है, इससे इसका जो टेक्सचर, फ्लफ और स्पॉन्जीनेस एकदम परफेक्ट आएगी। सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से करेंगे मिक्स। बहुत ही सिंपल सरल रेसिपी है, जब बच्चे मांगे, जब मन कर जाए आपका पिज्जा खाने का, आप इस तरह तुरंत से बना लेंगे। अब इसमें बीच में बनाइए एक इस तरह से गड्ढा। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही, यानी जिस कप से आपने आटा लिया ना या कटोरी से, उसी का आधा कप आप दही ले लें। आधा कप ऐसे मान के चलिए लगभग 6 बड़े चम्मच के करीब ये दही है, सिंपल फ्रेश दही लिया है, हल्का सा खट्टा भी हो तो भी चलेगा। तो ये मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। अभी मैंने सिर्फ आधा कप दही लिया है, कोशिश करेंगे कि हम पूरा इसको दही से ही गूथ लें। इससे क्या होगा, क्योंकि बिना ईस्ट बना रहे हैं, फर्मेंटेशन बढ़िया होगा, एकदम फ्लफी सॉफ्ट आपका नीचे का पिज्जा बेस तैयार हो जाएगा। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, एकदम मुलायम आटा। अभी थोड़ा सा दही मुझे कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही और डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जैसे मैंने आधा कप दही लिया, फिर जितनी जरूरत पड़े थोड़ा पानी डालकर भी बना सकते हैं। 4-5 मिनट अच्छी तरीके से मसल मसल कर आटे को आप गूंथें, जब तक कि ये थोड़ी इसमें इलास्टिसिटी सी ना आ जाए। जैसे लगभग 3-4 मिनट मैंने बढ़िया से आटे को मसल लिया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमारा लग रहा है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हेल्दी होने के साथ साथ इसका कोई अपना फ्लेवर नहीं होता, तो ये बेकिंग की चीजें पिज्जा वगैरह इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। और ऑयल डालकर अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे हम मिक्स। और अब देखिए आटा हो गया है एकदम लचीला सॉफ्ट, ये देखिए टूट नहीं रहा ना, खिंच रहा है, बिल्कुल ऐसी इलास्टिसिटी आटे में आ जानी चाहिए। और बस इस स्टेज पर अब हम आटे को रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट पर, जिससे कि बढ़िया से आटा फर्मेंट होके फूल जाए। तो चलिए 1 घंटा हो गया है, आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट, एक बार और आटे को अच्छी तरीके से मसल लेंगे। अब आटे को सब तरफ से इस तरह से थोड़ा सा कीजिए टक, परफेक्ट। इस तरह से लीजिए आप आटा और इसका एक लंबा रोल तैयार कीजिए मीडियम थिकनेस का, और इस तरह से रोल करके इसमें से हम कर लेंगे बराबर बराबर पीसेस डिवाइड। तो लगभग इसमें से हम करेंगे 4 पिज्जा बेस तैयार आसानी से। अब आप उठाइए एक लोई और इसको कीजिए सब तरफ से टक इस तरह से बैक साइड, बहुत ही आसान। और इसको रख देंगे अभी अलग। अब आप लीजिए एक चकला या प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डस्ट करेंगे आटा, सिंपल गेहूं का आटा। और अब लेंगे अपनी लोई जो भी हमने तैयार की पिज्जा बेस के लिए, और इसका एक मिनी पिज्जा तैयार करेंगे, यानी मीडियम साइज का, यानी छोटे साइज का। बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं करेंगे, मीडियम थिकनेस रखेंगे, जैसे बाजार के पिज्जा होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा। तो ये लीजिए मेरा मीडियम थिकनेस का मिनी पिज्जा प्यारा सा है तैयार। ये देखिए इसकी थिकनेस भी मैंने कुछ इस प्रकार रखी है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, बिल्कुल ऐसा हम रखेंगे। फिंगर से करेंगे थोड़ा सा डेंट, यानी कि हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे मार्केट के पिज्जा बेस होता है ना, वैसा ही। ये देखिए, और लीजिए एक फोक और फोक से इस तरह कर दीजिए इसमें होल्स, जिससे कि बनने पर ये फूले नहीं।
ये लीजिए हमारा मिनी पिज्जा बेस है, बिल्कुल तैयार लग रहा है ना, एकदम बढ़िया, कितना आसानी से बनाना। बाकी सारी बॉल्स के भी हम पिज्जा बेस तैयार करेंगे। तो लीजिए हमारे चारों मिनी पिज्जा बेस हैं बिल्कुल तैयार, अब फटाफट बनाएंगे अपने मिनी पिज्जा। बहुत ही आसान, बिना ओवन बिना कुकर बिना कढ़ाई पिज्जा बनाने के लिए आप रखिए गैस पर एक तवा। मेरे पास ये वाला है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। यदि आपके पास इस तरीके का पैन हो तो आप पैन भी यूज कर सकते हैं। बस एक जरूरी टिप, जो भी आप तवा लें थोड़ा सा हैवी बेस कर लें, जिससे कि आपका जो पिज्जा है वो नीचे से जले नहीं। फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और तवे को हल्का गर्म होने देंगे। तवे में से अच्छी हीट आ रही है, फ्लेम को लो मीडियम कर दें। और अब हम लेंगे हमारा आटे वाला मिनी पिज्जा बेस। अब यहाँ पर जरूरी पॉइंट, जो बेस का प्रिक वाला हिस्सा है जिसपे हमने ये छेद किए हैं, वो वाला हिस्सा होगा नीचे की तरफ, यानी इस तरह। तो इसी तरह प्रिक वाला हिस्सा मैं पलट के डाल रही हूँ। तो ये लीजिए मैंने चारों ही तवे पर लो फ्लेम पर सिकने के लिए रख दिए हैं। सिर्फ 30 से 40 सेकंड आपको इसको सेकना है, हल्का सा जैसे ही नीचे से गोल्डन होगा बस उतना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पिज्जा बेस हल्के हल्के फ्लफी फूले से नजर आ रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी ये नीचे से हल्के हल्के सिक जाएंगे। बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ से अभी हम नहीं सेकेंगे। और ये देखिए ऊपर वाली सतह हमने बढ़िया से हल्की गोल्डन सेक ली है और नीचे से इसको इसी तरह रहने दिया है। अब हमारे पिज्जा बेस पर सबसे पहले जाएगी सुपर डिलीशियस पिज्जा सॉस। तो मैं ले रही हूँ पास्ता एंड पिज्जा सॉस, एक बड़ा चम्मच आप लीजिए और इस तरह से पूरे पिज्जा पर स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी चीजों को परचेस करने का ऑनलाइन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अब हम अपने पिज्जा को सजाएंगे पिज्जा की जान मोजरेला चीज से, यानी पिज्जा वाली चीज से। मैंने मोजरेला चीज को ग्रेट कर लिया है और इस तरह से हम पूरे पिज्जा पर चीज को लगा देंगे। चीज आप अपने अनुसार ज्यादा कम जितनी चाहें उतनी लगाएं, या फिर आपके पास चीज स्लाइस हो घर में तो आप चीज स्लाइस के छोटे छोटे टुकड़े करके उससे भी आप पिज्जा को टॉपिंग कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगी जबरदस्त वाली टॉपिंग। मैंने यह पिज्जा को सजाने के लिए ली है थोड़ी सी शिमला मिर्च, जिसको मैंने लंबाई में स्लाइस्ड फॉर्म में कट कर लिया है छोटा छोटा, थोड़ी सी प्याज स्लाइस्ड में कटी हुई, थोड़ा सा मैंने लिया है छोटे छोटे पीसेस में कटा टमाटर, और मेरे पास घर में पीली और लाल वाली शिमला मिर्च थी तो मैंने वो भी यूज कर ली है। तो मेरे पास जो वेजेस थी मैंने वो ले ली। आपकी फ्रिज में ब्रोकली हो, पनीर हो, स्वीट कॉर्न हो, वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सोयाबीन भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे इसमें आप टॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे होता है ना बाजार का भी पिज्जा, तो बस मिनी पिज्जा को भी आप ऐसी गार्निश कर दें। फाइनली ये थोड़ा सा टमाटर छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं, ऊपर से थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें ये पिज्जा वाला चीज, क्योंकि जब ये मेल्ट होगा और ऊपर से दिखेगा तो पिज्जा हमारा और अट्रैक्टिव लगेगा। थोड़ी सी इस पर डाल देते हैं पिज्जा वाली सीजनिंग, जैसे इटालियन सीजनिंग हो, मिक्स्ड हर्ब्स हो, ओरिगेनो हो, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पास घर में जो बाजार का पिज्जा आता है तो पाउचेस निकलते हैं ना सीजनिंग के, वो रखे हो तो वो यूज कर लीजिए। थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, बहुत ही सुंदर दिखेगा इसके ऊपर, ये लीजिए। मैंने यहाँ पर नमक बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि हमारे जो बेस है उसमें भी नमक है, जो हमने पिज्जा वाली चीज लगाई है उसमें भी नमक है, और जो पिज्जा सॉस लगाई है उसमें भी नमक है। तो आप देख लें, अगर आपको जरूरत लगे तो ऊपर से थोड़ा सा नमक आप और डाल सकते हैं। तो लग रहा है ना एकदम प्यारा सा हमारा छोटू छोटू मिनी पिज्जा। तो बस सभी को इसी तरह से गार्निश कर लेंगे और फिर एक साथ फटाफट से तवे पर बनाएंगे। लीजिए तो मेरे चारों ही पिज्जा विद टॉपिंग्स है तैयार, कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो फटाफट से इसको बनाते हैं तवे पर। गैस पर चढ़ाएंगे हम अपना तवा और लो फ्लेम पर ही हम अपना पिज्जा तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे एक एक पिज्जा तवे पर रखते जाएंगे। आप याद रखें नीचे वही साइड है जो हमने पहले रोस्ट नहीं की है। मेरे पास हमेशा सवाल होता है कि ओटीजी में कैसे बनाएं, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि आप ओटीजी में पिज्जा कैसे बनाएं। अगर आपका तवा छोटा हो तो आप एक बार में एक या दो करके बेक कर सकते हैं, और लो फ्लेम पर एक कोई बड़ा लेट यानी ढक्कन, या आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो इसके ऊपर ढक दीजिए। मेरा ये वाला बर्तन बिल्कुल इसके ऊपर फिट आया है तवे के ऊपर, तो मैंने इसको ले लिया है जिससे कि स्टीम जो भी बने वो बाहर ना जाए और इजीली पिज्जा का जो चीज है वो मेल्ट हो जाए। लगभग 5 मिनट के करीब इसी तरीके से पिज्जा को बेक होने देंगे जब तक कि ऊपर का चीज मेल्ट ना हो जाए। तो जब तक हमारे मिनी पिज्जा तवा पे बन रहे हैं, फटाफट हम बनाएंगे एक मिनी पिज्जा ओटीजी में। तो ओटीजी में पिज्जा बनाने के लिए आपको पहले से इसको रोस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो हमने मिनी पिज्जा बेला था उसके बाद प्रिक कर लिया, प्रिक करने के बाद तो डायरेक्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस। तो ये लीजिए हमारा पिज्जा ओटीजी में बनने के लिए है बिल्कुल रेडी। आप लीजिए ओटीजी की बेकिंग ट्रे और इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और ट्रे को करेंगे ऑयल से अच्छे से ग्रीस।
और ओटीजी को मैंने रख दिया है प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पर लगभग 10 मिनट के लिए। और हमारा ओटीजी हो गया है प्री हीट, तो मैं इस बेकिंग ट्रे को लगा रही हूँ थर्ड रैक में इस तरह से, और 180 डिग्री सेल्सियस पर कन्वेक्शन मोड पर मैं इसको लगभग 8 से 10 मिनट के लिए करेंगे बेक। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके ओटीजी की पावर सेटिंग्स पर। तो चलिए, जब तक हमारा पिज्जा ओटीजी में बेक हो रहा है लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अपने तवे वाले पिज्जा को चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कि हमारे मिनी पिज्जा कितने बढ़िया तवे पर बेक हुए हैं। चीज भी पूरा बढ़िया से मेल्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यम्मी एकदम प्रॉपर सिके हुए चीज कितना बढ़िया मेल्ट हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आपने अवन में मेल्ट किया हो, है ना। नीचे से भी हमारा जो बेस है परफेक्ट सिका है, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट एंड फ्लफी क्रस्ट तैयार हुआ है। और अब तो रुका नहीं जा रहा है, मुंह में आ रहा है पानी, तो चलिए फटाफट करते हैं इसको सर्व। और ये लीजिए, हमारा ओटीजी वाला पिज्जा भी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए ट्रे को निकाल लेते हैं, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और फ्लफी क्रस्ट के साथ। ये देखिए, परफेक्ट सिका हुआ बनाया ना, एकदम बेहतरीन। और ये लीजिए, हमारा जबरदस्त टेस्टी मिनी आटा पिज्जा है बिल्कुल तैयार। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। जरूर जरूर बनाने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर बनाइए और बच्चे और सारे घर को दीजिए पिज्जा का ये बेहतरीन सरप्राइज। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हर तरफ से आप देख सकते हैं परफेक्ट सिका हुआ। और ये लीजिए, हमारा यम्मी चीजी पिज्जा है बिल्कुल तैयार। ये देखिए, है ना चीजी। और आपको भी अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैदा का पिज्जा कौन खिलाए, है ना। तो आप भी बनाएं, मुझे जरूर बताएं कि आपका पिज्जा कैसा बना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स वीडियो साइट पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।